अब क्योंकि हमने आपको सारे टूल्स पढ़ा दिए हैं, तो अब हम लोगों को टेक्निक सीखनी चाहिए कि उसके स्टेप्स क्या है रिकॉमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई अब सारे टूल्स आपने पढ़ लिए, आपने एंजाइम्स पढ़ लिए, क्लोनिंग वेक्टर पढ़ लिए, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है ये पढ़ लिया, तो अब आपको स्टेप्स पढ़ने चाहिए कि रिकॉमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी में टोटल स्टेप्स कितने हो सकते हैं। तो अगर आप देखें तो स्टेप्स आप रिकॉमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो सबसे पहला डीएनए होता है, हम सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए करें, मतलब हम किसी डीएनए को किसी सेल से सबसे पहले बाहर निकाल लें, ये पहला स्टेप होना चाहिए जिसपे हमको काम करना है। सबसे पहले यही काम करें, किसी भी सेल से हम डीएनए को निकालें, किसी भी सेल से नहीं, जिससे हमारे जिस सेल में हमारा डिजायर्ड जीन पड़ा हुआ है। फिर जब हम डीएनए को निकाल लें तो डाइजेशन बाई रिस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लियस, फिर हम क्या करें उस डीएनए का रिस्ट्रिक्शन इंडोनिक्लियजेशन बाई डाइजेशन बाई रिस्ट्रिक्शन इंडोनिक्लियज, हम लोग क्या करें उस डीएनए का रिस्ट्रिक्शन इंडोनिक्लियज के द्वारा सेक्शन काट दें। ये देख लीजिए रिस्ट्रिक्शन इंडोनिक्लियज, ये काम कर ले, ये दूसरा स्टेप हो जाए भाई, ये पढ़ना पड़ेगा हमको। हमने आपको रिस्ट्रिक्शन इंडोनिक्लियज पढ़ा दिया है, अब डिटेल आज देखा जाएगा। जब ऐसा कर ले फिर हम देखिए आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, हम डिजायर्ड जीन को निकाल के बाहर कर लें, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। तो डिजायर्ड जीन को निकालने की क्या टेक्निक है भाई, हमने आपको पढ़ाया कि डिजायर्ड जीन को निकालने का एक ही मात्र टेक्निक है कि हम उसकी जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस कर दें, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस कर दें, फिर क्या करें ये देखिए अगली जो स्टेप है वो स्टेप को हम ऐसे कह सकते हैं कि सर देखिए जब आपने आइसोलेशन डिजायर्ड लिए तो देखिए अगला स्टेप अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे सर लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन विथ वेक्टर, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन विथ वेक्टर, हम विथ प्लाज्मिड लिख लें, विथ प्लाज्मिड ऐसे लिख लीजिए विथ प्लाज्मिड, एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम क्या करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर ले। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर ले तो अगला क्या करें, अगला हम ये करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बन जाए हमारा तो हम क्या करें ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर भेज दें तो इसी प्रक्रिया को तभी अपने आपको पढ़ाया कि सर इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये देखिए अभी ये स्टेप्स है, पहला डीएनए को निकालें, उसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से सेक्शन काटें, फिर डिजायर्ड जीन को उससे निकालें, फिर डिजायर्ड जीन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट से प्लाज्मिड से जोड़ दें, और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग होस्ट सेल में भेज दें। फिर देखिए कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल, हम अब क्या करें कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल, कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल एट लार्ज स्केल एट इंडस्ट्रियल स्केल, होस्ट सेल को हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पर कल्चर करें, इंडस्ट्रियल स्केल एंड ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट एंड ऑब्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट, और फिर हम जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसे प्राप्त करें। इतना काम अगर हम कर दें तो हमें पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है जिसकी नीड है वो पूरी हो जाएगी और बायो टेक्नोलॉजी के सारे स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है और ये छठवा है। छह स्टेप है, एनसीईआरटी ने छह स्टेप को वन बाय वन करके स्टेप्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब सबसे पहला स्टेप है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, पहला स्टेप है जिसे हम लोग कहते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम लोग डीएनए को किसी सेल से निकालते हैं, ये देखिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ऐसे ही लिखा गया है। तो अगर आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए देखते हैं, अगर आप डीएनए को फंगल सेल से निकालते हैं, फंगल सेल से निकालते हैं तो आप कौन सा एंजाइम लगाएंगे, काइटनेज लगाएंगे, याद रखिएगा। अगर आप फंगल सेल्स निकालते हैं तो काइटनेज लगाएंगे, मतलब अगर आप चाहें तो ऐसे बना लेंगे सर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारा क्या है डीएनए, और इस डीएनए को निकाल के लाना है कहां पर, बाहर। यही मतलब हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो फंगल सेल्स अगर आप निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, काइटनेज लगाएंगे। अगर आप इसी डीएनए को बैक्टीरियल सेल से निकालते हैं, मतलब बैक्टीरियल सेल से बाहर करते हैं, तो आप कौन सा एंजाइम लगाएंगे, आप बैक्टीरियल सेल से अगर निकालते हैं तो इस पर लाइसोजाइम निकाल लगाएंगे, लाइसोजाइम निकालेंगे, लाइसोजाइम जो है बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट कर देता है, हमारे सलाइवा भी पाया जाता है और टीएस में भी पाया जाता है। लेकिन अगर आप इसे प्लांट सेल से रिलीज करा रहे हैं
अगर प्लांट सेल से आपको किसी डिजायर डीएनए की जरूरत है तो आप देखिए एनसीईआरटी ने तो सेलुलोज लिखा है, क्योंकि ये सेलुलोज जो है किसका डाइजेशन करेगा, सेलुलोज का डाइजेशन करेगा। अगर आपको पता है तो सेलुलोज जो है प्लांट सेल में जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक एंजाइम और लगाना पड़ेगा पेक्टिनेज। ये दो एंजाइम है जो प्लांट सेल से डीएनए निकालने में मदद करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो ये सब सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। जब सेल वॉल का आप डाइजेशन कर देंगे तब भी डीएनए सीधे निकल के बाहर नहीं चलाएगा, मैं आ गया ऐसा नहीं करेगा। इसके सिवा आपको जब आप इस सेल ब्रेक करना शुरू करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे तो सेल निकल के डीएनए बाहर आना चाहेगा। इसके लिए और आप भी आपको भी एंजाइम लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा प्रोटीएज। प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा, ये डाइजेस्ट प्रोटीन सब्सटेंस, जितने भी सेल के अंदर प्रोटीन है सबको ये डाइजेस्ट कर देगा। फिर आपको लगाना पड़ेगा आरएनएज लगाना पड़ेगा। देखिए आरएनएज या राइबोन्यूक्लियस है, ये आरएनए सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। जब ऐसा कर देगा, ये देखिए आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, तब डीएनए निकल के बाहर आएगा। अब इस डीएनए को हम लोग ये देखिए एक मीडियम में लिख लेंगे, जैसे खास तरह के एक गाना चलता है, हमको पीनी है। इस डीएनए निकले हुए डीएनए को हम लोग चिल्ड इथेनॉल में ले आके रख लेते हैं। किस इथेनॉल में, ध्यान रखिएगा, डीएनए स्क्रिप्ट इन चिल्ड इथेनॉल, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ये बात, मैं बल्कि लिख लेता हूँ किसी तरह से आप गलती ना करें। ये जो हमारा डीएनए है यहाँ पर लिख लीजिए डीएनए स्क्रिप्ट इन चिल्ड इथेनॉल। ये जो डीएनए है इसे हम लोग चिल्ड इथेनॉल में ले आके रख देते हैं, यही लिखा हुआ है, आपको भी यही याद करना है मेरे दोस्त। बिना याद किए कल्याण नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा ही जाता है कि डीएनए को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में डीएनए कहाँ रखा जाता है, चिल्ड इथेनॉल में रखा जाता है। जब आपने पहला स्टेप लिख लिया तो अब आप दूसरे स्टेप आइए। दूसरा स्टेप है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन क्या बेटा, इंडोन्यूक्लियस, ये दूसरा स्टेप है। अब ये जो निकला हुआ डीएनए है, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, हम निकले हुए डीएनए को, ये देखिए डीएनए का हमारा है, इस डीएनए को हम लोग इस पे एक एंजाइम लगाते हैं। एंजाइम का नाम क्या है, आपको मैंने 100 बार पढ़ाया जब से बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है, लगातार पढ़ा रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस लगाते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस किसे कट करते हैं, पैलेंडोमिक सीक्वेंसेस को कट करते हैं। ये डीएनए को छोटी मोटी ऐसे छोटे मोटे डीएनए सेगमेंट में कट करके छोड़ देते हैं। ये जो आपने डीएनए ऑब्टेन किया है उसमें आपने, अगर आप याद हो तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। हमने पढ़ाया आपको इन्हें क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ये डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट कट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। ये दूसरा स्टेप हो गया, पैलेंटोमिक सीक्वेंसेस करते हैं। तीसरा देखिए आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। अगर आप तीसरा देखते हैं तो ये देखिए आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। मैंने मेथड ऑलरेडी पढ़ा रखी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप बोलेंगे सर देखिए ज्यादा घुमाई फिराई नहीं, 10 बार आपने पढ़ा दिया है। इसके लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है उस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम क्या करते हैं, ये देखिए हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन है, इस इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन में हम इस तरह से डीएनए को रख देते हैं। ये देखिए इधर माइनस चार्ज होता है, इधर प्लस चार्ज होता है, इसमें से वेल्स लगी होती हैं इस तरह से, और इन वेल्स में हम उठा के सारे डीएनए को डाल देते हैं। जब हम डीएनए को डाल देते हैं तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए पे कैसा चार्ज है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है डीएनए पे, इसलिए वो पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करता है, इसलिए मूव्स टुवर्ड्स किधर बेटा, एनोड, वो एनोड की तरफ मूव करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। और हमारा जो डीएनए है इधर सबसे छोटा सेगमेंट, फिर उससे बड़ा, इस तरह से डीएनए के सारे सेगमेंट अरेंज हो जाते हैं। फिर आपको याद होगा
इसमें कौन सी डाई लगाते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड लगाते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड लगा देते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड लगाने के बाद हमको डीएनए मिल जाता है, और इथीडियम ब्रोमाइड डाई के इस्तेमाल करने के बाद हम लोग इल्यूशन करते हैं। इल्यूशन माने क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ डीएनए सेगमेंट, रिमूवल ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट। हम जो डीएनए का सेगमेंट है उसे निकाल के बाहर कर लेते हैं, और इससे हम लोग, मान लीजिए ये हमारा डीएनए का सेगमेंट है जिसपे हमको काम करना है, इसको निकाल के हम लोग, ये देखिए नायलॉन की शीट है, इसी नायलॉन की शीट पर लेके इस डीएनए को रख देते हैं। जब नायलॉन की शीट पे इस डीएनए को लेकर रख देते हैं, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग इल्यूशन कहते हैं या सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। तो ये तीन स्टेप हो गया। सबसे पहले डीएनए को निकाल लेते हैं, डीएनए के सेक्शन काटते हैं, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिजायर्ड जीन की, हम लोग डिजायर्ड जीन को निकाल के बाहर कर लेते हैं, और पता कर लेते हैं भाई इस डीएनए पे हमको काम करना है। क्योंकि हमारे पास एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल है, एक ही जीन है, तब हमको क्या चाहिए? उसकी एम्प्लीफिकेशन करानी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप